वीट्स को डिफाइन करें कि व्हाट इज द वीट्स, एम आई राइट? अगर दो नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी है पास वाली, यानी कि एक 200 है एक 400 है, तो वीट्स को नहीं सुनाई देंगे। टू नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जाम्पल एक मान लेते 256 256 और दूसरी मान लिए 260, तो कितना हुआ? बिल्कुल पास हुआ, 6 का डिफरेंस आया 6 हर्ज का। तो जो दो नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज हैं, गुड मॉर्निंग मुलायम सिंह, उनका जो डिफरेंस होता है वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका वीट्स कहलाता है। टू नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है उसी को वीट्स कहते हैं। वीट्स क्या होगा, दो फ्रीक्वेंसी में से दो फ्रीक्वेंसी घटेंगी तो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी आएगा। तो अगर आपको टाइम पीरियड चालू होगा कि यार वो फ्रीक्वेंसी का चेंज कब होगा, तो आप जानते हैं टाइम पीरियड बराबर इनवर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो टी बराबर 1/5 इतना हो जाएगा। यानी कि अगर हमें ये डिफरेंस फ्रीक्वेंसी का मालूम है तो ये डिफरेंस फ्रीक्वेंसी का कितने अंतराल बाद, कितने टाइम पीरियड बाद मिलेगा वो भी याद कर सकते हैं। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि जो दो फ्रीक्वेंसी हैं वो बहुत ही नियरली है, कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसको पहचानेंगे या कर सकेंगे। मेरी आवाज सही पहुंच रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर रहा हूं, तो हमारा जो मीटर है वो बेचारा म्यूट करके फिर चला देते हैं। अब अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे धीरे बोलो चाहे वो एक ही बिंदी दिखा रहा है। एनीवे, पहुंच रही है ना आवाज हमारी बिल्कुल ठीक आप लोगों के पास? अच्छा, गुड। आप अपनी लैब में जाइए और आपने ट्यूनिक फॉग देखे होंगे, लोहे के होते हैं, ये दो टुकड़े यूं करके होते हैं, जिसको आप एक पैड पे बांधते हैं तो ये यूं वाइब्रेशंस करते हैं, तो उससे उसकी फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है कि एक सेकंड में कितनी दफे वाइब्रेट कर रहा है। जनरली आपके पास 256 512 इस इंटरवल में होते हैं, राइट? तो जब आप दो ट्यूनिक फॉग को लें, दोनों का दावे और दोनों के ये यू शेप होते हैं, इनको जब पास में लाएंगे तो अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा थोड़ा सा, बहुत बड़ा नहीं, 3 या 4 5 का, तो आपको क्या आवाज सुनाई देगी? एक सेकंड में 3-4 दफे जो है आपको मैक्सिमम सुनाई देगी, जिसको आप बीट्स कहते हैं, जो कि ये फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। एम राइट? अब इनका उपयोग क्या होता है, उसके लिए थोड़ी सी फंडामेंटल फिजिक्स आप जान लीजिए, चाहे कितना कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो आप कर ले जाएंगे, तो उस चीज को समझना पड़ेगा, आप समझ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले आइए, हमको एक पहला ही सवाल दिख रहा है जिसकी सॉफ्ट कॉपी मैंने डॉक्टर आलोक सोती पे दे रखी है, डॉक फाइल के फॉर्म में, अब तो जेपीजी के फॉर्म में है, बहुत सिंपल सा है। कह रहा है पहला ही सवाल जो कि इस पे ही आधारित है कि साहब अगर फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस का टाइम अंतराल यानी टाइम पीरियड 0.2 सेकंड का है, तो क्या पूछ सकता है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी? जनाब ये एक सवाल पूछा जा चुका है, फाइव हर्ज या नंबर ऑफ बीट्स पूछेगा तो इतने बीट्स पर सेकंड आपको सुनाई दे जाएंगे, यानी 5 दफे आपको सुनाई मिलेगा। एम राइट? अगला सवाल क्या कह रहा है, वो भी बहुत आसान है कि पीरियड आपको दिया है, 8 बीट्स मिल रहे हैं, तो क्या पॉसिबल फ्रीक्वेंसी हो सकती है? अब देखिए थोड़ा सा बेस बना लीजिए, अगर दो ट्यूनिक फॉक हैं और इनको वाइब्रेट करा रहे हैं, नियरली इक्वल है, एक की मान लीजिए फ्रीक्वेंसी मालूम है, एक की नहीं मालूम है, ये नॉन है, इसकी मालूम है, इसकी नहीं मालूम है, और इसको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसको बजाएंगे, बजाएंगे तो जितने आपको बीट सुनाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि उतना डिफरेंस इन दोनों के बीच में है, लेकिन अभी भी आप जान नहीं पा रहे हैं कि जो डिफरेंस है, मान लीजिए 256 है, इसकी हमको निकालनी मालूम नहीं,
दोनों को बजाया, चार बीट्स मिल रहे हैं। तो यानी इसमें और इसमें कितना फ्रीक्वेंसी का अंतर है, 4 हर्ज का, क्योंकि 4 बीट्स पर सेकेंड मिल रहे हैं, am I right? 4 हर्ज का है। तो ऐसे सूरत हाल में ये जो अननोन है इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी 256 मालूम है, तो इसकी या तो 4 ज्यादा हो सकती है क्योंकि डिफरेंस है, 4 ज्यादा हुई 260 हुई, या 4 कम हुई तो 256 यानी 256 में से 4 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 252, यानी 256 में से 4 गए 252। तो अब आप कंफर्म नहीं है, ये तो मालूम है 256 था, इसकी मालूम नहीं, बजाया 4 बीट्स, या तो 260 होगी या 252 होगी, 4 बीट्स ऊपर या 4 बीट्स नीचे, am I right? तो पहला स्टेप आप सीख गए हैं, उस पे एक सवाल है वो भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पहला समझ ही गए थे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि साहब, कि जो वाइब्रेशन टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है कि वो आपको दे रखा है 1/288 सेकेंड, राइट? तो जाहिर सी बात फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, आप जानते ही हैं T=1/N, फ्रीक्वेंसी है, तो इस सूरत हाल में फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी 288 हर्ट्ज। अब कह रहा है 2 ट्यूनिक फॉग बजाए गए हैं और दोनों के बीच में कितने बीट्स मिल रहे हैं बेटा, कहने लगे 8 बीट्स पर सेकेंड मिल रहा है, दोनों ट्यूनिक फॉग बजाए और आपको 8 बीट्स पर सेकेंड मिल रहा है, एक की फ्रीक्वेंसी मालूम होगी, बगैर उसके तो कुछ होगा नहीं, दूसरे की निकलेगी नहीं, पहले वाले की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो आपको यहां से मिलता है पता ही चल गया क्योंकि टाइम पीरियड आपको मालूम था उसका, तो कहने लगे दूसरे वाले की पॉसिबल, तो आपने कहा 2 पॉसिबल कंडीशन है, क्योंकि मामला डिफरेंस का है, डिफरेंस ज्यादा का भी हो सकता है कम का भी हो सकता है, जैसे 10 रुपए है तो आपके पास 2 रुपए का डिफरेंस है, तो आपके दूसरे के पास 12 रुपए भी हो सकते हैं और 8 रुपए भी हो सकते हैं, तो आपने कहा कि नंबर ऑफ बीट्स की जो पॉसिबल हो सकती है फ्रीक्वेंसी ये है, बीट्स ये है, तो 2 पॉसिबल कंडीशन है, या तो कम हो सकती है या तो ज्यादा हो सकती है, कम हो गए तो 280 हो गए, ज्यादा हो गए 8, 8, 16 कितने हर्ज, ठीक, इतने आसानी सवाल आएंगे नहीं, ये तो बेसिक बनाने के लिए है, आपको बता दिया गया है सोती सर का, आप जानते हैं एक स्पेशल फार्मूला होता है, एक बिटिया रोती हुई आई थी कि सर बीट्स वाले नहीं आते, वही प्रीति राय जी आता है नहीं आता है, बीट्स वाला नहीं आता है, किताबों में देखा गया बड़ा लंबा लंबा खेल था, लेकिन फिर हमने उसको सिखाया अपना, कह लगे आप अपना एक देसी तरीका बना दीजिए, वो तरीका बना दिया, बड़ा कारगर है, आज तक सफलता पूर्वक चल रहा है, आज आप भी सीख लीजिए। देखिए 2 ट्यूनिंग फॉक होंगे, ये तो बात हो गई, नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी होंगे, उसका डिफरेंस होगा एक ज्यादा या कम होगा, अब देखिए जिसका फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है उसकी एक लाइन खींच लीजिए, सपोज ये ए है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी एक की ज्यादा होगी या किसी एक की कम होगी, अब आपके पास दूसरी हुई बी, और ए और बी के बीच में आपको बीट्स मालूम है सपोज, तो क्या होगा बीट्स, ये हो गए बी, या तो उतने बीट्स नंबर ऑफ बीट्स जो है उतने ज्यादा हो गए या उतने बीट्स कम हो गए, am I right? अब यहां 2 बातें होंगी, क्या किसी पे भी कंपटीशन है, ये नहीं है कि एकेडमी है तो इसी पे हम छेड़खानी करें, आप किसी भी एक ट्यूनिक फॉग पे या तो आप वैक्स लगाएंगे यानी उस पर कुछ लोड दे देंगे, वैक्स एक्स लगा देंगे, या तो उसको घिसेंगे फाइल करेंगे यानी उसकी रेत देंगे पतला कर देंगे, आपको क्या समझना है, अगर किसी ट्यूनिंग फॉग पे वैक्सिंग करेंगे, वैक्स लगाएंगे, मोम लगाएंगे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि घटेगी, डिक्रीज करेगी, ट्यूनिक फॉग की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, ये आपको ध्यान रखना है।
अगर किसी ट्यूनिक फॉर्म की फाइलिंग करते हैं, घिसते हैं, पतला कर देते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इंक्रीज करती है। ये आपको पता होना चाहिए, बस आपका काम बन गया। फॉर एग्जाम्पल, हमको मालूम था ए था, इसकी मान लीजिए नॉन थी, अभी एक सवाल ले लेंगे, 256 हो गया, बी इतने बीट सुन रहे तो बी ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा तो क्या करेंगे, तो वो किसी ना किसी पे वैक्स करेंगे या उस पर फाइलिंग करेंगे। बस आपको पता होना चाहिए, अगर मान लीजिए बी पे वैक्सिंग की तो इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी नहीं, घटेगी, और फाइलिंग की तो बढ़ जाएगी। तो अगर मान लीजिए आपने कहा कि सर ये वाली है, बी को वैक्सीन वैक्स करा, वैक्सीन नहीं वैक्स किया, तो इसकी फ्रिक्वेंसी घटी, तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी घटी तो क्या हो जाएगी, वैक्स के बाद ये हो जाएगी और इसकी घटेगी। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, 256 हर्ट्ज, 4 बीट्स पर सेकंड आपको मिल रहे हैं, तो क्या हो सकता है आपका, इसका हो सकता है 4 बीट्स डिफरेंस 260 हर्ट्ज या 4 252 हर्ट्ज, यानी बी वाले की 260 हर्ट्ज हो सकती है या 252 हर्ट्ज हो सकती है, हो सकती पक्का, इन्हीं में से एक हो कि वही छाटनी है। मान लीजिए आपसे कहा गया कि जो बी वाला है उसमें हमने वैक्स कर दिया, तो क्या होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो आपने कहा भाई साहब जो 260 है ओरिजिनल, तो तुम्हारे पास 260 है, वैक्स कर दी, वैक्सीन कर दिया आपके अंदर, वैक्स कर दिया तो क्या हो गया, कम हुई, तो 260 से कम होगी, और इसी तरह 252 से कम हो जाएगी, ठीक, अरे फ्रीक्वेंसी घटेगी, अगर 260 होगी तो 258 हो गई सपोज, और 252 होगी तो घट के 250 हो गई। अब ये हो गया, अभी भी आप निर्णय नहीं ले सकते कि ये वाली है बी की है, फिर वो बताएगा कि अब नंबर ऑफ बीट्स इतने हो गए, वो जो नंबर ऑफ बीट्स दिए, मान लीजिए उसने कहा अब नंबर ऑफ बीट्स 3 हो गए, ठीक, तो जाहिर सी बात है अगर आप नंबर आप बीट्स 3 हो गए तो बीट्स का मतलब होता है ये तो ओरिजिनल, इसको छोड़ा नहीं आपने, बी को ही वैक्स किया था, उसी की फ्रीक्वेंसी में छेड़खानी की थी जिसकी वजह से उसी की फ्रीक्वेंसी में चेंज आया है। तो अगर आप देखें ए तो वैसे ही है, यहां पे फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस मान लीजिए 3 बीट्स हो गया, तो 3 बीट्स किसमें पास मिल है, इस वाली कंडीशन में पास मिल, क्योंकि इसमें 4 है, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसकी और कम हो जाएगी, तो नंबर ऑफ बीट्स बढ़ेंगे, तो आप फट से जान लेंगे कि हाँ ये वाली कंडीशन पॉसिबल है, इसलिए जो बी कट यूनिक फॉक है उसकी फ्रीक्वेंसी 260 हर्ज है। तो ये जो एक सोती सर ने लाइन खींच के उसको बनाया है उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, फट से लाइनें खींच लीजिएगा, काम हो जाएगा। पता नहीं दुनिया वाले क्या क्या किताब वाले लिखते हैं, उससे तुम्हारा सवाल हल नहीं होगा, ये जान लो। लाइन बना लोगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा, बगैर डेटा रख के आप निकाल लो, क्लियर हो गया। आइए चलते हैं इसी को सवाल में रूपांतरित। तो ट्यूनिंग फॉक है जिसमें 3 बिट्स पर सेकंड का आ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, इसको माना हमने ए, 256 हर्ज दिया है, एम एस राइट, कह रहा दूसरे की बताओ तो दूसरे की कितने बीट्स हैं बेटा, 3 बीट्स पर सेकंड है, तो ये डंडा खींच लेना, अब लिखना नहीं इस तरीके से 3 बीट्स, तो बी वाले की क्या हो सकती है, 3 ज्यादा या 3 कम, एम राइट, इनमें से एक होगी, कौन सी होगी उसके लिए उसने बताया है, क्या बताया है, ऑन लोडिंग द अदर विद स्मॉल बैग्स, यानी कि किस पे वैक्सिंग की है आपने, ऑन अदर, क्योंकि आपने कहा 2 ट्यूनिंग फॉक हैं, एक की फ्रीक्वेंसी इतनी है, लोडिंग द अदर यानी एक को नहीं छेड़ा है, उसके 256 ही है, ऑन द अदर दूसरे बी वाले पे क्या कर दिए, वैक्सीन कर दिए, वैक्स कर दिया, देखो वैक्सीन ही आधारी करोना तो ऐसी डरमारी है, तो जो वैक्स कर दिया तो किस पे किया, ध्यान ये लैंग्वेज से पता चल गया बी पे क्या है, स्तोति सर ने क्या कहा है कि वैक्स किया है तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, यानी वैक्स किया है बी पे किया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी, तो इसकी घट के इससे कम हो जाएगी, 253 की घट के मान ली 250 हो गए,
अब नंबर ऑफ बीट्स देखिए, कह रहा अब नंबर ऑफ बीट्स 5 हो गए। अब नंबर ऑफ बीट्स यानी इसकी इसकी में 5 हो गए हैं, इसके इसके में 5 हो गए। तो 5 बीट्स किस में पॉसिबल है? 5 बीट्स पर सेकेंड इस कंडीशन में पॉसिबल है कि इस कंडीशन में पॉसिबल है? अमा पहले 3 तक घटा है तो और कम हो गए होंगे, ये है फ्रीक्वेंसी घटी है 3 है तो डिफरेंस ये हो चुका है, तो जाहिर सी बात है इस केस में 5 बीट्स पर सेकंड पॉसिबल है, अर्थात जो बी की फ्रीक्वेंसी है वो 253 हर्ट्ज है।